यार कभी पेड़ पे कभी झूला कभी वो कभी गर्दन भाई एक चीज तो नजर ही नहीं रही। बार बार कुछ अलग हो रहा है। तो कह रही चाल डू खान भी भाग डू तो मार ही अपना आज ऑप्शन नहीं है और हमारे अंदर हिम्मत खत्म हो चुकी टूट चुकी है। मार ही अपना आज मारवा लाज यार रहना बयान मरनू ही एक दिन मारवा चाहे आज अपन मारी है जाओ। मारी जाओ। मई तू आजा बस। अरे जो अरे तो जा फैक्ट्री में कहीं हो रही हो फैक्ट्री खत्म हो गई है भाई साल तुम फैक्ट्री ऐड दूसरी आई बड़ी बात है आपने कहा था देख हाँ जो अरे जी मेरे बहुत कर दी हूँ जादू वही कर दी थी जो बहुत फैक्ट्री खत्म हो गई यार यार दूसरी लगा बैटरी खत्म है बैटरी बदल करना बैटरी बदल करना अपने लाइट में खाश मतलब बारिश जा रही है लाइट सुते तो लाइट में बारिश खराब होना कल खराब हो रही है खराब हो गई लाइट चाली चल जाए घबरा मत तो कहीं बनाओ खराब हो गया कहीं बनाओ खराब घबरा मत खराब हो गया घबरा मत यार घबरा मत भाई बारी बारी अखड़ी है बताओ ना अरे बारी 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 स्विच खराब हो जी लाइट स्विच खराब होगी खड़ी है महादेव जी है साथ में कहीं कौन है फालतू हो मेरे ठीक है पत्ती करना रिकॉर्ड हो रही है लाइट करना सिर्फ छोटी इमरजेंसी में जाओ छोटी इमरजेंसी है जाओ ती रिकॉर्ड हो रही है
अच्छा लगे इतनी देर चला, अच्छा लगे इतनी देर चला, चल जाइए, चला चले इतनी देर, शाम चलाइए, थोड़ा फोन चार्ज है ना, फोन की टॉर्च जला रहा है। जय श्री भगवान, हर महादेव। अरे सूर्य सामने जा रही है, वह सामने जा रही है। मासूम बच्ची की गर्दन दिखाकर डराना चाहती हूँ मैं? देखो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है वो हम जानना चाहते हैं, लेकिन इस तरह डरा करके। मरबो आगे पाचे है सर आप डरबो काम कौन चाले। मरना है जीना है, आए हैं जिंदगी में जिए हैं, पैदा हुए हैं तो मरेंगे, ये तो निश्चित है। मरे है वैसे मरे, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ जानी उसका पीछा करना है क्योंकि बहुत देर हो गई, मैं अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, इस दर्द को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। बाबा तो लाइट में क्या हो रहा है बार बार यार, ऑटोमेटिक ही भी चलता है, ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। देखिए आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है या अन्याय हुआ है इस जगह पे तो उसके दोषी हम नहीं है, हम सिर्फ सच को सामने लाने का काम करते हैं। कुछ भी कर ले, डरा रही है वो, डरा ही नहीं है बस। देखिए हम जो है किसी भी तरह से आपके साथ हुए न्याय या अन्याय को नहीं जानते हुए इस जगह पे आए हैं, हमने सिर्फ एक कहानी सुनी थी हमारे बुजुर्गों से, खेतों में उस जगह पे ऐसा आज भी होता है, हमें नहीं पता था वास्तविकता में ये होता है या ये कहानी है, पर हमने ये देखा है और उसके बाद में हमें पता चला है कि यहाँ पे वाकई में एक रूह रहती है, लेकिन उसके साथ हुआ क्या है, जिसकी वजह से क्या घटना घटी है जिसकी वजह से वो यहाँ आज भी भटक रही है, हम ये जानना चाहते हैं। आवाज आ रही है, आवाज रिपोर्ट बता रहा हूँ, पूरी तरह से खत्म हो चुका है अंदर से, जब इंसान भर जाता है ना कि अब कुछ नहीं बचा जीने के लिए, तब वो ऐसी हरकतें करता है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। सुने ला जाओ, देखो कुछ भी होगा जिंदा है और रहेंगे, और ऐसे बुजदिलों जैसे मरने से अच्छा है कि मर ही जाए। चलो आ जाओ भाई। भाई वो गई थी, मैंने देखा उसे, उस तरफ गई थी वो। ये कौन है? तो कौन है यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह कौन है।
और भी है यार, अलग अलग रूह है शायद, एक नहीं बहुत सारी रूह है। किसी प्रकार से डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ये चीजें हैं और काफी देर से हम इन चीजों को सहन कर रहे हैं। अब मेरी सहनशीलता खत्म हो चुकी है, मैं इस दर्द से और उसके बाद इस भागने से परेशान हो चुका हूँ, और मैं आप जो परेशान हो रहे हो इसकी वजह से मुझसे नहीं सहा जा रहा। ना मैं आपको अकेला छोड़ सकता हूँ, ना यहाँ से अकेले भेजने का रिस्क ले सकता हूँ अब, क्योंकि अब कुछ भी होता है भेजने क्या है, पानी की बोतल है, कुछ चीज बैग में से कुछ निकल रहा है यार, ये कुछ क्या है इसमें, ये सफेद कपड़ा है, कैसा है, कैसा है यहाँ पे, सफेद कपड़ा है, सफेद कपड़ा है, कुछ पन्नी है। और भी कुछ है? नहीं, यही है बस। ये ठीक है, कुछ गिरा है नीचे, ये क्या है? ओ भाई, ये बैग में कहाँ से आया? क्या ये क्या है? खाने का सामान चलो, पता है क्या है? क्या क्या है? शंकर भगवान की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दूर हो थोड़ा सा, बचने का रास्ता क्या है? सेतु और रुद्राक्ष साथ में। ये कहाँ से है? लेकर आया घर पे था, ये अलमारी की तिजोरी में। ये जो अलमारी है उसके तिजोरी में था, ये रखा होगा। ये बचा सकते हैं सूर्य अपने को, चले आ रहा भाई। महादेव महादेव, श्री माँ का, श्री माँ का, मैं सिर्फ इसको इस वजह से धारण नहीं किया आज तक, क्योंकि इसके अंदर ये सिल्वर है, चांदी है, इसलिए मैंने इसे धारण नहीं किया था आज तक। सिर्फ ये सिद्ध हुआ हुआ है, जहाँ से आया है ये वहां से सिद्ध हो गया है, उसके बाद गुरुदेव से और उसके बाद शंकर भगवान से सिद्ध होके उसके बाद ये हमें मिला है। इसको मैंने धारण नहीं किया था, इसकी वजह है इसमें ये चांदी की चेन होना।
घबराना मत, डरना मत, ठीक है? तुम्हें इसमें से चमक निकलती हुई नजर आ रही है सुनील? नहीं आ रही होगी, क्या आ रही है? हल्की हल्की चमक नजर आ रही है। यहाँ से बाहर निकले अब, चाहे जो कोई आ जाए रास्ते में, अब रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अरे महादेव, अरे महादेव, कहता तो मैं इसे अभी धारण कर लेता, सिर्फ मेरी जान बचानी होती। पर नहीं, हमें बाहर निकलना है, हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है। पर महादेव, मैं शुक्रिया करूँ आपका, आपने आज अपने बेटे को बचा लिया। हम नहीं चाहते साल भर घंटे, हम नहीं चाहते न हमें किसी तरह की परेशानी हो, न ही यहाँ पे रहने वाली किसी और या किसी भी तरह की रूह है उनके साथ, किसी भी तरह का अन्याय हुआ हो या न्याय हुआ हो हमें नहीं पता, किसी भी तरह से उनके साथ घटना घटी हो मेरे महादेव, और हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करना, हमें माफ करना। हम इतना सा चाहते हैं कि हम सही सलामत हमारे घर तक पहुंच जाए और इन रूहों को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। मेरे महादेव, आप सदैव रक्षा करना, महादेव सदैव सहाय दे। जय शंकर भगवान, जय बोले मेरे महादेव। भाई अब तो चल चलेंगे ना सूर्य अपन? हाय, सामने ही है यार, वो निकलने नहीं देगी वो। घबराओ मत सुनील, महादेव जी खुद हैं हमारे साथ, ये सिद्ध हुआ रुद्राक्ष हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे। एक रुद्राक्ष में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि वो आप किसी भी तरह की परेशानी में हो, कितनी बड़ी नेगेटिव पावर हो, चाहे इंसान मौत की कगार तक पहुंच चुका हो, उसे ये जिंदा कर सकता है। सिद्ध हुआ रुद्राक्ष। देखिए, आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय हुआ है वो हम नहीं जानते, हमने बुजुर्गों से जो बात सुनी उस बात को सुनते हुए हम ना समझ इंसान यहां तक पहुंच गए। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि अब आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। छोटी सी गुजारिश है आपसे, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको हमारी वजह से और कोई परेशानी हो और ना ही आपकी वजह से हमें किसी तरह की परेशानी हो। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ अन्याय हुआ है? क्या आप अकेले हो? आप यहाँ अकेले हो? गर्दन किसकी है? क्या आप यहाँ अकेले हो? क्या आप अकेले हो? सुनील आ जाओ।
आप अकेले हो, हम आपसे गुजारिश करते हैं, माफी चाहते हैं अगर आपको हमारी वजह से किसी भी तरह की परेशानी हुई हो, उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए अगर हमसे कोई भूल हुई है, और हमारे रास्ता क्लियर कर दिए, हमें यहाँ से जाना है, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप हमें जाने दीजिए, हम बस इतना सुख आते हैं। आ जाओ, लाइट बंद हो गई, चालू हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आ जाओ यहाँ से बाहर निकलते, आ जाओ सुनी, आ जाओ, आ जाओ, जो यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकलो यहाँ से जल्दी। मेरे महाकाल, बाहर आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ। अरे बात है, मेरे महादेव सुनो, शिव महाकाल किसी भी तरह की परेशानी ना हो मेरे महादेव, इन्हें यहाँ से मुक्त कीजिए, इन्हें अपनी शरण में लीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।